हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मैंने शूट की थी जब हमारी लास्ट क्लास से दो क्लासेस पहले क्लासेस मेरी फिनिश हो चुकी है। मेरा जो वन ईयर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स था वो ख़त्म हो गया है फाइनली। वो सारी वीडियोस भी आएंगी। और यस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन व्लॉग मनीषा। वहाँ पे शॉर्ट्स मैं डालती रहती हूँ, अपडेट आते रहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि फिर तो अब आना नहीं होगा एक दो क्लासेस के बाद, तो इसीलिए। और ट्यूसडे था तो हम तीनों की क्लासेस ट्यूसडे को इकट्ठी रहती है, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं क्योंकि रितेश को भूख लगी थी और उसके बाद इसको जाना था शिफ्ट पे, तो हम लोगों ने सोचा चले चलते हैं। बट जहाँ पर रितेश लेके गया था वो बंद था, ट्यूसडे को वो बंद रहता है और उसने बोलता है यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा अब जाना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने फिर जो दूसरी जगह है ना वो डिसाइड की, जो कि रितेश की फेवरेट है, वो है हमारी यूनिवर्सिटी के पास में चटकारा है, उसके जो छोले कुलचे हैं, यस छोले कुलचे, वो रितेश को काफ़ी पसंद है। तो हम आ गए थे यहाँ पर और बस यहाँ से पेट पूजा करके हम गए थे घर पर, थोड़ी सी चिट चैट की। और आजकल मैं गाड़ी से आ रही हूँ, तो कभी गाड़ी में यूनिवर्सिटी ले आती हूँ और कभी जो है ना साउथ गेट पार्क करके आ जाती हूँ। साउथ गेट पहले मुझे रुचि उतारती थी तो वहाँ से मैं LRT लेती थी, बट आजकल मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ तो साउथ गेट की पार्किंग में पार्क कर देते हैं, फ्री है। और वहाँ से गाड़ी लेके मैं पहुँच गई हूँ घर फटाफट से क्योंकि लंच बनाना है विनोद का। तो टाइम हो गया है, 4 बजने वाले हैं, वो 2-3 मिनट आगे हैं। तो सबसे पहले आते ही मैंने रखी है चाय क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। और मुझे बनानी है कढ़ी, तो कढ़ी है ना मैंने बाहर रख दी थी कल सुबह ही, खट्टी मतलब दही नहीं होती काढ़े कह रहे, दही खट्टी नहीं थी तो मैंने कल सुबह ही इसको बाहर रख दिया था। अब इसके अंदर जाएगा, बस बेसन डालूंगी और थोड़े से बेसिक से मसाले डाल के बनाऊंगी कढ़ी। और मेरे पास 1 घंटा है विनोद का टिफ़िन रेडी करने के लिए क्योंकि फिर विनोद को शिफ्ट है, तो उससे पहले मुझे करना है काम। बट उससे पहले मुझे यह कि यार मेरे को ना बैठ के 1 कप चाय पीनी है आराम से, तो मैं पहले इसी में मिला दूँ इवनिंग पे। पहले मैं कढ़ी को दही को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। और ये ना ओके है, मतलब ज़्यादा नहीं हुई है खट्टी, ठीक ठाक है। बट अब जो है जैसी है ठीक है, क्योंकि ये मैडम है ना हमारी ये बैठी हुई, इसको खानी है कढ़ी, कई दिनों से पीछे पड़ी थी तो मैंने इसको आज के लिए प्रॉमिस किया हुआ था, तो अभी बनानी ही पड़ेगी मुझे। तो भाई ये हो गए दही, दही में डाल दिया हमने बेसन, इसमें हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये मिक्स है ये डालूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। तो विनोद सो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसलिए धीरे से बोल रही हूँ। और ये नमक डाल दिया, अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर पानी डाल के और भी अच्छे से मिक्स। चाय मेरी बन गई है, इसको कर देती हूँ मैं बंद। तो चाय मेरी बन रही है, थोड़ी सी इसमें ना मतलब ये जैसे इलेक्ट्रिक है तो ये थोड़ी सी देर और पकती रहेगी। तो मैंने तब तक क्या किया, प्याज कट कर दिया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, तो मैंने सोचा तड़का रेडी कर लेती हूँ क्योंकि टाइम है नहीं इतना, तड़का रेडी करके रख दिया है और चाय पीऊँगी मैं बैठ के, इसलिए मैंने थोड़ा तड़का इसलिए पहले रेडी कर दिया सारी चीज़ें कि मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँ। और क्योंकि जब तक टाइम है ना तो बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर दो। और ये जाएगा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और मेथी बस, और नहीं बस कैसे सरसों और सूखा हरा धनिया, सूखा धनिया होता है तो वो भी डाल लेते हैं। तो ये पाँच जो है ना वो जाते सीड्स, बट वो मेरे पास नहीं है तो बस मैं ये करूँगी। पहले इसका छोक लगाएंगे और इसके साथ में हींग डालेंगे, फिर वो उसका लगाएंगे। तो इसलिए मैंने चीज़ें रेडी कर दी हैं और ये कढ़ी मैंने घोल ली थी और पानी भी डाल दिया, बाकी पानी बाद में डालेंगे। और अब मैं करती हूँ अपनी चाय का एंजॉय और बाद में करेंगे बाकी का काम। यहाँ पे एक आलू और चने मैंने बॉईल करके रखे थे तो इनको भी निकालना है। और ये जो आप हालत देख रहे हो ना इसकी गैस की, ये चने बॉईल किए थे इसलिए ऐसी हालत हो रही है। अब खाना बनाने के बाद ही गैस को क्लीन करेंगे। तो ये बन गई मेरी चाय और राइस भिगो दिए, कढ़ी के साथ बनेंगे चावल। और गर्मी इतनी हो रही है कि ये पंखा मैंने इधर लगा लिया और परी ने बोला था ये पकोड़े बना दो, बट पकोड़े बनाने का मन नहीं था क्योंकि गर्मी इतनी सारी है। तो चलो पहले चाय को एंजॉय करते हैं और उसके बाद बनाते हैं अपने
कढ़ी। फाइनली जो कढ़ी है बन के हो गई रेडी। तो विनोद के लिए कढ़ी पैक कर दी मैंने, राइस पैक कर दिए हैं और हो गया है लंच भी हमारा रेडी। हाय, तो वो रही गाड़ी वो खड़ी। तो आज मैं जा रही हूँ क्लास 5 के लिए, मतलब सीखने के लिए, क्लास लेने के लिए। ये है मेरा क्लास 7 का जो कि जर्नल होता है ना, जो हम टेस्ट देते हैं उसके बाद ये मिलता है हमें। ये रहा क्लास 7 लर्नर वाला जो मिलता है। तो मैं इसके बेस पे चला रही हूँ गाड़ी 2-3 दिन से, बट आज प्रॉपर वाली क्लास ले रही हूँ और देखते हैं कि वो भैया क्या बोलते हैं कि कितने दिन में मुझे टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँगी। तो ये भूल गई थी मैं लेके जाना, तो उन्होंने बोला कि लाइसेंस चाहिए, तो इसलिए चलो देखते हैं क्या रहता है। तो मैं हूँ अभी सीख रहे हैं, थोड़ा सी दूर लेके आए हैं सर और अभी हो गए हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बीच में, बट इट्स ओके, अभी तक तो ठीक है, सही चल रही है। गाड़ी बड़ी है मतलब SUV, बट सही चल रही है यार, अभी तक ठीक है। चलो बताती हूँ बाद में। तो उसके बाद हम लोग गए थे शाम को, रुचि की फैमिली, रितेश और हम लोगों ने प्लान बनाया था बाहर खाने पीने का, क्योंकि रुचि की जो मदर इन लॉ है ना वो वापस जा रही हैं। तो फिर फिलहाल बस वही 1-2 दिन है, तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा और जो है ना हम लोगों का भी जो है ना गेट टुगेदर हो जाएगा। तो हम गए थे यहाँ रॉयल पान, और यहाँ पे जो है ना डोसा काफ़ी अच्छा है। हम इससे पहले जब आए थे तो अभी हम डोसा ही खा के गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। डोसा लिया था, राज कचौरी ली थी, विनोद को राज कचौरी याद आ रही थी इंडिया वाली, तो फिर उसने राज कचौरी ऑर्डर की, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब रॉयल पान पे हमने 3-4 चीज़ें ट्राई की हैं, तो सारी ही हमें अच्छी लगी इसकी। तो सब ने मोस्टली जो है ना अपना वही मंगवाया था, और उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि घर पे थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। तो फिर सब लोग शाम को बाद में आंटी को वहाँ पे ड्रॉप करके घर पे और सब लोग आ गए थे। और ये थोड़ा सा ऐसा टाइम होता है ना कि जब पूरे हफ्ते भर की थकान के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। एवरी वीक नहीं होता लेकिन हाँ महीने में हो जाता है, तो कभी हमारे घर पर कभी रुचि के, रितेश के, ऐसे बारी बारी हम लोग करते रहते हैं। और ये एक पुराना सा गाना चल रहा था जो मैं नहीं लगा सकती, तो इस गाने को बहुत ही इंजॉय किया सबने। मतलब पहले गाने भी कैसे होते थे, उनका डांस था वो तो बिल्कुल ही अलग था। और जो सौरभ है ना वो काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, तो यस सौरभ के बिना पार्टी अधूरी रहती है। तो बस इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अपना इंजॉय किया और बच्चों ने भी काफ़ी मस्ती की। नीरव जो है वो अपना आराम से बैठा रहता है अपने रूम में, उसको अपना गेम खेलने से मतलब होता है। आता है एक बार, सबसे हेलो हाय करेगा और फिर अपना जो है ना अपने काम में लग जाता है, अपना गेम में ही वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो और ये चीज़ सही भी लगती है कि ठीक है बच्चे अपना जो अपना अलग रहते हैं, पर योशनाएँ छोटे हैं तो ये लोग तो यहीं पे उधम मस्ती मचाते रहते हैं और दोनों अच्छे से खेलते हैं, खेलते भी हैं लड़ते भी हैं, बट ठीक है बच्चों का वही होता है ना, ऐसे ही होता है, कभी खेलेंगे कभी लड़ेंगे, इनकी अपनी ही अलग दुनिया रहती है। और उसके बाद विनोद और सौरभ गए थे किचन में, तो हम लोग अपना काम कर चुके थे क्योंकि सब खा के आए थे ना तो ज़्यादा भूख नहीं थी। जब बाद में भूख लगी तो फिर इन्होंने जो है ना ऑमलेट बना ली थी, सौरभ काफ़ी अच्छे ऑमलेट बनाते हैं विनोद भी और सौरभ भी दोनों ही, तो फिर इनको किचन में भेज दिया था कि अब आप लोगों की बारी है, कुछ जो बनाना थोड़ा बहुत वो बनाओ। तो ये लोग चले गए थे और काफ़ी इंजॉय किया, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड होता है, इधर उधर की बातें होती हैं तो सही रहता है। उसके बाद ये थी हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लास्ट क्लास। ये मेरे जो प्रोफेसर हैं ना ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये थी हमारी टीम, तो यहाँ पे 5 टीम थी, उनकी प्रेजेंटेशंस थी, एक लाइव प्रोजेक्ट दिया था मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो उस पर सबने काम किया था। और ये जो कैमरा वगैरह लगा दिया था तो जो स्पॉन्सर्स थे वो आए नहीं थे, वो लाइव ही देख रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर आवर स्पॉन्सर्स स्टेफनी एंड
Charles for giving us this wonderful opportunities because we learned a lot from this, and thank you Diana for your instruction and your feedback. We are team achievers, and here in my team I am Anisha, project manager. Didar is worked as a project communication coordinator. तो फिर हमारी बारी आई, तो ये हमारी टीम के बारे में मैंने बताया, फिर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आउट जो ओवर व्यू था वो मैंने दिया है, फिर इसी तरह से पूरी टीम ने बारी बारी सबका अपना काम था। तो 3-4 स्लाइड्स जो थी ना पर मेंबर थी, तो किसी की 5 थी, किसी की 4 थी, तो ऐसे हम लोगों ने प्रेजेंट किया और ये काफ़ी अच्छा रहा, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा ही अच्छा रहा। और फिर जो ये जो टीम थी, रुचि की टीम थी, ये फर्स्ट आई थी तो इनको फिर प्राइज़ मिला था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो टीमें आई थी उनको प्राइज मिला था, हमारी टीम फोर्थ आई थी और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, हमें था कि हम सबसे लास्ट आएंगे, बट काम काफ़ी अच्छा रहा। और फिर जो डायना थी, ये हमारी जो प्रोफेसर है, इन्होंने जो फिर मार्क्स जो दिए थे ना वो सबके ग्रुप के हिसाब से नहीं, फिर इंडिविजुअली दिया था कि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना क्या है, तो इनको पता था। और मुझे सच बताऊँ तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, मुझे मिला है A-, और जो कि मुझे भी सच बताऊँ तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बट यस, डायना को पता था कि किसने कितना काम किया है और मेरा काम इनको काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने मुझे पर्सनली भी 2-3 बार मुझे काफ़ी प्रेज़ किया था, और पूरी क्लास के सामने भी, और ऐसे मुझे वो मिली थी जब, तो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेज़ किया था। और ये है हमारे स्पॉन्सर्स, और सही बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग स्पॉन्सर्स का नाम भी भूल गई थी, क्या नाम था उनका। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया और क्लासेस भी ख़त्म हो गई हैं। तो ये लास्ट क्लास नहीं थी, बट हाँ प्रोजेक्ट की ये लास्ट क्लास थी जो कि काफ़ी अच्छी रही। तो अब बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।